आधा किलो का नंदा हेलो गाइस। तो क्या है ना, हम लोगों का हो गया, मतलब सब कुछ है ना, इसको ऐसे ये वाला। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रूपम कुमार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हुआ ना, हम लोगों ने पोर्क खाया, मशरूम खाया, बहुत कुछ खाया। तो आज ना मैं क्या है ना, आसामिस में हम इसको हमुक कह हमुक हम लोग हम हमुक कहते हैं इसको। फिर इंग्लिश में स्नेल होते हैं ना, SNAIL स्नेल, और हिंदी में घोंघा बोलते हैं सर, GHONGA घोंघा। तो वो ना इतनी इतनी सी होती है, बड़े भी होते हैं, तो इतनी इतनी सी ना वो मस्त लगता है खा के। उसको दाल, एक दाल होते हैं, मैं बताऊंगा आप लोगों को, उससे बनाया जाता है। लेकिन पॉइंट ये है कि वो ना पहले आप लेके आओगे, उसको तुरंत नहीं खा सकते, उसको एक दिन पानी में भिगो के रखना होगा। तो मैं आज बाज़ार से लेके आता हूँ, फिर आज भिगो के रख लूँगा, कल बनाऊँगा। लेकिन वो मैं नहीं बनाऊँगा, साथ में बनाएंगे मेरी एक बहन है, मतलब बाजू में रहते हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरह से आती है बनाना। मुझे नहीं आता है, मुझे लेकिन परफेक्ट नहीं आता मुझे, तो उन वो ही बनाएगी, तो हम लोग कल बनाएंगे। आज लेके आता हूँ मैं वही, मतलब कि लेके आऊँगा, फिर पानी में भिगो के रखूँगा, तब तक दिखा दूँगा। और कल जो बनाऊँगा मैं आपको, वो तो बताएंगे ही, मतलब हिंदी में बोलते घोंगा, घोंगा ही बोलते हैं, गलत हो गया तो सॉरी, हिंदी में बोलते घोंगा, इंग्लिश में स्नेल, स्नेल हाँ, और असमिश में हमुक। तो बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी होता है, मतलब जो जो खाता है वो हेल्दी होता है, लेकिन सब नॉन वेज ही है, वेज एक भी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। क्या मतलब आधा किलो ना, एक किलो आधा किलो का नंदा एम नल के अकल खाम। आधा किलो दी ना, मैंने ये ले लिया आधा किलो, आधा किलो 30 रुपये का, सस्ता सस्ते में है, इतनी बहुत महंगी नहीं है। आधा किलो मैंने ले लिया, तो आज इसको भिगो के रखूँगा, कल बनाएंगे। हाथ खाई रही मैं बकोट हाथ ना की अंजा मैंने चार। तो कल ना हम लोगों ने इसको पानी में भिगो के रखा था, तो इसको ना पहले साफ़ करना पड़ेगा। साफ़ करने का दो है, पहले तो ये क्या कहते हैं, ये है ना, इनको निकलना होगा और इससे इनका यहाँ से राउंड करके काटना होगा। फिर इसको ना, ये जो बहुत कड़क है तो ये कुछ नहीं कर सकते, अपन को इसको ऐसे करके लेके जाके खाना होगा। तो ये सिस्टम इसका है, क्योंकि ये एक निकलना होगा और इसको काटना होगा, तो ऐसे ही। गाइस, तो ना हम लोग ऐसे इनको ना दो तरह से साफ, मैंने बताया ऑलरेडी, तो इसका ना ये अभी अरे यार, इसको ना ऐसे काटना होगा, अरे ऐसे ना, वो क्या कहते हैं, इसको दो तरह से काटना है, एक काट कर फिर ऐसे करना होगा। तो क्या ना, हम लोगों ने आधी अधूरी ठीक कर ली, साफ़ कर लिया, मतलब एक इसमें ना दो काम होता है, एक तो ये इसमें जो थक्कन होता है ना वो निकलना होता है, और ये काटना होगा, क्योंकि इसको ऐसे करके खाना होगा ना। तो वही है, अपन तो ना साफ़ कर रहे हैं, अभी हो जाएगा, आधे घंटे में सब कुछ हो जाएगा। फिर बनाने का तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि इसको पहले और साफ़ करना होगा धो के, क्योंकि ये मिट्टी में रहते हैं ना, तो मिट्टी बहुत होती है, तो इसको पहले मिट्टी को हटाना होगा, फिर है ना, तो टाइम लगेगा, लेकिन खाने में मस्त है, तो इसलिए वही। तो देखते रहना वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो भी करना कर देना। नमक लगवान बा।
तो गाइस अभी ना हम लोग इसको धो रहे हैं, मतलब कि बहुत बार धोना पड़ता है इसको, 3, 4, 5 जो भी धोना है, मतलब जो गंदगी मतलब मिट्टी में रहते हैं ना, तो उसके अंदर से मिट्टी निकलना होगा, तो इसको पूरा ऐसे धोना होगा। नमक भी डाल देंगे सफाई के लिए, मतलब एक बार धो दिया फिर इसको फिर धो देंगे, फिर नमक डाल देंगे, फिर साफ हो जाएगा। तो ऐसे चलता रहता है, देखते रहना आप लोग, मस्त बनाएंगे इसको। ना हम लोगों ने क्या किया, ये अच्छे से नमक वगैरह डाल के धो के ठीक कर लिया। फिर ये अदरक, ये तो बोलने की बात ही नहीं है, सबको पता है। और ये दाल ना मुझे हिंदी में नहीं आता, क्या बोलते हैं जो एक काला दाल आता है ना, उड़द का दाल बोलते हैं शायद, और हम लोग तो माह की दाल होता है वैसे भी। तो ये है, मतलब छिलका निकल गया इसलिए सफ़ेद लग रहा है, लेकिन वो काले रंग का था। तो पहले इसको ना हम लोग ये अदरक लहसुन साथ डाल के कुकर में एक बॉईल करके पूरा वो कर लेंगे, फिर बनाएंगे दिखाएंगे आप लोगों को। मैं बता रहा हूँ कि इससे बनाएंगे हम, एक दाल होता है ज़्यादातर ये जो है ना स्नेल, इससे ही बनाते हैं, तो मैंने इसलिए दिखा दिया आप लोगों को। बेहतर पानी भी वाला वो तो गाइस, तो क्या हुआ ना, हम लोग तो वो बनाएंगे और एक इसको ना फ्राई करेंगे। इसको मुझे यार हिंदी में नहीं आता, हम लोग तो आसामिश में इसको कोला कोसु हम लोग कहते हैं, तो पता नहीं अभी इनका ना वो इसको ऐसे काट काट के मतलब ऐसे रख देंगे, इसको फ्राई करेंगे, मस्त लगता है। और बहुत आयरन 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 सब इसमें आयरन कहते हैं हम लोग इसको, तो आयरन बोलते हैं, तो वो बहुत है इसीलिए ना बहुत सही है। और एक चीज़ और बनाएंगे, इसको आग में ऐसे आग में दे के इसको सेक के बनाएंगे, इसको क्या बोलते हैं पता है, वो जो केले का जो फूल होता है ना, जो जहाँ पे केले लगते हैं ना उसके आप एकदम वहाँ पे ये होता है, इसको ना अपन लोग आग में दे के इसको मस्त बनाएंगे, तो दिखाएंगे आप लोगों को। दी 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 हल्दी दी वाला बना तुम बड़े बॉयलन वाला कमल तू किवास बोल गए तो देखा जो मैं वो खुला ही ना खाया कुछ भी गाइस। तो क्या है ना, आज भी हम लोग 3-4 बनाएंगे चीज़ें, राइस तो खाते ही, राइस के साथ ही खाएंगे अपन। एक तो ये स्नेल का जो है ना वो ये पूरा फट गया यार, खून निकल रहा है, जो भी है। तो ये एक है, और एक जो मैंने बनाया ना वो बना, वो फ्राई करेंगे और एक वो बनाएंगे, 3 हो जाएगा। और बाकी दाल वगैरह तो बनाएंगे ही बनाएंगे, वो अलग बात है, तो मस्त होएगा आज भी। खांगते कौन पकड़ा भी जला नहीं था ये कौन हो, ये कौन हो इंजे दी
खिच्चे बढ़िया करें। इसे गरम मसाला हेलो गाइस, तो क्या है ना, हम लोगों का हो गया, मतलब सब कुछ हो गया रेडी। तो ये तो राइस राइस सबको बताया है, ये मेन था हम लोगों का, मतलब क्या कहते हैं, ये था हम लोग। मैंने बोला ना, हिंदी में घोंगा बोलते हैं शायद, इंग्लिश में तो स्नेल बोलते हैं, और बाकी हम आसामिश में हम बोलते हैं इसको। और ये मैंने बोला था ना, केले केले का जो फूल होता है ना, फूल और आलू को आग में सेक के हम लोगों ने इसको बनाया। फिर ये बीन और आलू फ्राई, ये जो बताया था मैंने कोसू, हाँ हिंदी में नहीं आता मुझे, ये जो कोसू जो है ना वो मच्छी के साथ बनाई, ये इतनी इतनी सी मच्छी होती है ना, ये मच्छी है। तो ये है जो भी है, ये तो पक्का खीरा और कांदा है, और ये दाल है। तो निरामिष हम लोगों का हो गया, ये जो है ना ऐसे क्योंकि खाई था हंसू है हो गया, अच्छा ऐसे ऐसे करके ले लो। मस्त मस्त लगता है खा के। तो हम लोगों ने खा लिया, अभी आप लोग भी खाओ, हम भी मस्त लगता है। मस्त है। तो वीडियो यहीं पे रखता हूँ मैं, अगर कुछ मिले तो बताऊंगा, नहीं है तो वही है। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, है ना। तो क्या है ना, मैं तो बहुत खा रहा हूँ, बट पॉइंट ये है कि कैसे खाते हैं, मैं आप लोगों को दिखा तो दिया हूँ, फिर एक बार और ट्राई करते हैं। ये ना ये होता है, अरे याद कर, इसको ना ऐसे, यहाँ जो है ना ये एक होल होता है ना, इसको ऐसे ये वाला मस्त जो बोलते हैं। हल दो खा, हले मोर खा होने दो। गाइस, खाने के बाद जो छिलका होते हैं ना, ये मतलब इसका ना ये ऐसे होल होके यहाँ तक आता है। तो हम लोगों ने खा लिया, मैंने 58 खाया, 58 ऐसा। तो है बस, मैं यहीं पे रखता हूँ वीडियो, मैं वीडियो यहीं पे रखता हूँ। मेरा खाना भी हो गया, मस्त खाया हम लोगों ने, मस्त टेस्टी हुआ था। तो यहीं पे है ख़त्म, मैं यही बोलने के लिए आएगा क्या, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और क्या है?